नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं शिवडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम लोग इलाहाबाद पे कंटिन्यूअस वीडियो ला रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम मैं पीजी के रिजल्ट डिक्लेरेशन पे वीडियो दिया था। उसके बाद बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट आने लगी, कमेंट्स आने लगा कि सर आप ये बताइए कि हमारी काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है। और ये बात सच में आपको जानना चाहिए कि इलाहाबाद पीजी की काउंसलिंग कब तक होने वाली है, क्योंकि ये सबसे पहले काउंसलिंग का प्लानिंग कर रहा है। आपको मैं बता दूं, अभी चल रहा है हॉलीडे, लगभग हर एक विश्वविद्यालय की छुट्टी लगभग कंप्लीट होने वाली है, जिसमें जो इलाहाबाद की छुट्टी है वो 11 तारीख को कंप्लीट हो रही है इसी महीने के। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल लेवल पे काउंसलिंग की पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर रही है, जैसे कि रिजल्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, और उसके बाद अभी आने वाले समय में उसके दो पार्ट्स रिजल्ट और आने बाकी हैं पीजी वालों का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर देंगे, यानी प्लेटफॉर्म देंगे। उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपकी जो पीजी की काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होनी है, लेकिन कब से, लगभग जैसे ही हॉलीडे कंप्लीट होता है तब से। मान के चलो कि 11 से 15 तारीख के आसपास आपके पास एक जेन्यून एक ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, जो कि इसी चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ फाइनली पीजी की जो काउंसलिंग है कुछ इस स्टेप्स में फॉलो होने जा रहा है। अब जो आपको बात ध्यान रखनी है वो क्या है, जैसे कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो कई सारे विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं, और बहुत सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो सीयूटी पीजी के थ्रू अपने एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद ने अपना जो एग्जाम है वो इंडिविजुअल कराया। अब इंडिविजुअल कराने की वजह से ये स्वतंत्र है अपनी काउंसलिंग कराने के लिए, ये काउंसलिंग का पूरा जो प्लेटफॉर्म बनाएंगे खुद का बनाएंगे, और इसका जो प्रोसीजर रखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है हाइब्रिड रखें, जैसा भी होगा वो मैं आपको बाद में कंफर्म करूंगा, लेकिन ऑनलाइन निश्चित है। और हाइब्रिड अगर वो लोग देते हैं तो मैं हाइब्रिड का बता दूंगा कि हाँ हाइब्रिड यहां पे अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे जो माइंड में आप ध्यान रखना है वो रखना है कि आपको माइंड मेकअप पहले से कर लेना है कि ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। ये मत समझो कि हाँ पीजी वाले के चक्कर में, यानी सीयूटी पीजी के चक्कर में आप आराम से बैठे हो, ना कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो ना कुछ भी, सोने से नहीं होगा। इलाहाबाद या ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय जहां पे आपने अप्लाई किया होगा, जिन्होंने अपने लेवल पे अपना एग्जाम कराया है, यानी अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम कराए हैं, तो वो लोग अपनी काउंसलिंग पहले स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कि इलाहाबाद सच में ऐसा करने जा रहा है। सो प्लीज गाइज, अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ इलाहाबाद काउंसलिंग के लिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अरेंज कर लो, बाकी अपडेट्स जैसे ही आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, इसके बाद भी अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट करिए। ये देखिए कि सीयूटी पीजी के रिजल्ट का अभी कहीं नामो निशान नहीं है, और इलाहाबाद जो है प्लानिंग फॉर काउंसलिंग, ये अपने आप में एक बड़ा न्यूज है आप लोग के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपने जो एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 10th के रिजल्ट एंड मार्कशीट जो आपके पास है, ठीक है, 12th का सेम आपके पास होना चाहिए, आपके पास कुछ आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड ये सब अवेलेबल होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों आपके पास न्यूली बना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हो तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। सपोज कि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस यूज करना चाहता है तो ईडब्ल्यूएस उसके पास होना चाहिए, आप पीएच का सर्टिफिकेट यूज करना चाहते हो तो आपके पास फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपके पास फोटोज होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप क्या करो, स्कैन करके रख लो, अपने मेल पे सेव कर लो, जिससे कि बस आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, और फाइनली ये पूरे डॉक्यूमेंट जो है आप ऑनलाइन काउंसलिंग के दरमियान यूज कर सकोगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स एज वेल एज स्कैंड कॉपी होना चाहिए, आपके सिग्नेचर का, आपके फोटो का, आपके और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी रिटेन है, ठीक है, जैसे कि लगभग टीसी माइग्रेशन आपको पता ही है। हाँ, एक पीजी वालों के लिए रहेगा यूजी मार्कशीट। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना जो अभी इंटर मतलब अभी ट्रांजिशन पीरियड में होंगे, लाइक उनका अभी रिजल्ट आया नहीं होगा या कुछ सेमेस्टर के रिजल्ट बाकी होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इलाहाबाद अपीयरिंग वालों को मौका देगा। मैं उसका प्रोसीजर बताऊंगा कि जो बच्चे अपीयरिंग है उनको कौन सा डॉक्यूमेंट और कितने परसेंट तक अपलोड करना है। सो इन तमाम चीजों के लिए जो है आप इस चैनल पे बने रहिए, जो उनको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और लंबी सांस लेने के साथ साथ अपनी पूरी प्लानिंग जो है कमर कस के तैयार कर लीजिए कि हाँ आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स अब रेडी कर लेने हैं, और आपका पहला काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है
आई थिंक मे बी पॉसिबल विद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बाकी यूनिवर्सिटी के जैसे ही अपडेट्स होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सीयूटी पीजी के अभी नामो निशान नहीं है, रिजल्ट से पहले उनका आंसर की आना है। आंसर की में फिर आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, उसके सॉर्ट आउट होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें लंबा समय लगने वाला है। अभी यूजी वाले बच्चे बहुत परेशान है, सो उसके अपडेट्स के लिए भी आप चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुस्कुराते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम